अस्सलामुअलैकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं YouTube चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। करते करते किसी न किसी तरीके से कुछ सिचुएशन हैंडल हो रही पाकिस्तानीज के लिए जो अब्रॉड स्पेशली गल्फ जाना चाहते हैं। बात स्टार्ट करते हैं सऊदी के साथ, क्योंकि सऊदी का वर्क परमिट स्टार्ट हुआ है, हमारे पास भी ऑलमोस्ट विद इन अ वीक इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। इलेक्ट्रीशियंस, मेसन्स, स्टील फिक्सर्स जो कारीगर हैं वो 1200 से 1300 रियाल की सैलरी होगी और एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट होगी और लेबर का 900 to 1000 सऊदी रियाल सैलरी रहेगी और वीज़े का फ्लैट रेट रहेगा टिकट प्रोटेक्टर और वीज़ा के साथ 2,50,000 पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। उसके अलावा बहरीन का अपना सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यूज चल रहे हैं, 85 बहरीनी दिनार सैलरी है, 12 घंटे ड्यूटी है, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट है, 21 ईयर से 35 ईयर्स के बिटवीन एज होनी चाहिए, मैट्रिक कम अज कम एजुकेशन होनी चाहिए और आप इंग्लिश में इंटरव्यू क्लियर कर सको, क्योंकि आपका व्हाट्सएप पे फ़ोन पे इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे इंग्लिश में थोड़ी बात होगी, फिर आपकी स्पेलिंग्स चेक करेंगे कि आपको स्पेलिंग्स आते भी हैं या नहीं। और इसका वीज़ा, ओनली वीज़ा 60,000 पाकिस्तान रुपीज़ में आपको पड़ेगा। इसके अलावा ओमान का काम है, आज़ाद वीज़ा भी है, 3,50,000 उसका रेट है और 21 डेज का भी वीज़ा है और 3 मंथ्स का भी है, ठीक है। उसका भी आई थिंक 21 डेज का जो है वो है 1,25,000 में और जो 30 डेज का है, 3 मंथ्स का है वो है 1,50,000 में, अराउंड इस रेंज में है, कल की वीडियो में मैंने क्लियर बताया हुआ है। और उसके अलावा फिर हमारे पास वीज़ाज हैं ट्रेड के और लोडिंग अनलोडिंग के भी हैं, माली भी हैं, ओमान की बात करूँ उनका फ्लैट ओनली वीज़ा रेट है 2,50,000, टिकट प्रोटेक्टर और गेम का आपका सेपरेट होगा। इसके अलावा इसके साथ यूई का, दुबई का मतलब के सिंगल अगर आप फीमेल हैं वो रेगुलर प्राइस में वो वीज़ा चल रहा है और फैमिली वीज़ा भी रेगुलर प्राइस में चल रहा है। जो मेल है इंडिविजुअल मेल, ठीक मेल मतलब मर्द जात, वो ब्लैक में चल रहा है, मतलब कि वो ऑफिशियल पाकिस्तान का वीज़ा सिंगल मेल के ऊपर नहीं हुआ, बट लोग डाल रहे हैं तरतीब शर्तीब सेट करके, मतलब FRC बना के और हस्बैंड वाइफ मतलब कि सिंगल लेडी के साथ डालना होता है उन्होंने। जैसे किसी टाइम में अगर आपने अब आजकल का नहीं पता क्योंकि कोरोना काफ़ी टाइम से है, एक साल से है, जब आप उम्रा के लिए जाते हो तो उस टाइम आपको FRC चाहिए होता है, मतलब एक सिंगल औरत और एक सिंगल मर्द अगर जाते हैं, ठीक है, तो उनको एक एक महरम चाहिए होता है, मतलब अपनी फैमिली का कोई बंदा चाहिए होता है उनको। तो अगर वो उनके साथ नहीं जा रहा तो जो इंडिविजुअल फीमेल जा रही है और जो इंडिविजुअल मेल जा रहे हैं उनको एयरपोर्ट पर FRC और सेटिंग शूटिंग कर करके उनको वो भेज देते हैं और भेज देते थे। तो इसी टाइप का कुछ सीन है या जो भी सीन है, खैर मुद्दा यह है कि वीज़ा निकल रहा है भाई, जो भी स्टोरी है, और 1 मंथ का है 60,000 पाकिस्तान रुपीज़ का रेट और 3 मंथ्स का है 1,10,000 पाकिस्तान रुपीज़। ये पैसे मैंने सप्लायर को बाद में देने हैं बट मेरे अकाउंट में मैंने आपसे पहले ले लेने हैं, ये बात है क्लियर। और खुदा न खास्त अगर वीज़ा रिजेक्ट होगा तो वो 25,000 चार्ज करेंगे 1 मंथ का, ठीक है, और क्योंकि मेरी ज़्यादातर 1 मंथ पे बात हो रही है और अगर किसी को रिस्क लेना ही है तो 1 मंथ का ही ले। तो ये कुछ अपडेट्स हैं और इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी पे आप जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर आप इधर क्लिक करेंगे या इधर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, उसमें नीचे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर स्ट्रेट अवे आपने किस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है। अगर बात करनी है, कुछ सिचुएशन डिस्कस करनी है, कुछ जानना है, कुछ टाइम मतलब जिसमें कंज्यूम होना है मेरा, वो पेड अपॉइंटमेंट है फ़ोन कॉल की 500 की और अगर आप ऑफिस आना चाहते हैं तो वो 2,000 पाकिस्तान रुपीज़ की है, ठीक है, ये चीज़ें प्लीज़ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक भाई कोई गाली गलौज कर रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब ने उसका कमेंट होल्ड कर लिया, क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं और कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज भी हैं, उसको भी गाली दे के कहा हुआ था कि ये फ्रॉड कर रहा है, वीज़ा बंद है। भाई मैं कौन से कह रहा हूँ कि वीज़ा खुला है, मैं कह रहा हूँ ब्लैक मार्केट में ओपन है, वीज़ाज निकल रहे हैं। जब नहीं था, जब बंद था तकरीबन 2 महीने तक, तो मैंने भी इस पर कुछ नहीं कहा, अब जब ओपन है, शेख दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं, तो मैंने भी उस पर बात कर दी। तो ब्रदर आपकी तरबियत आई थिंक
आपके माँ बाप ने बुरी तरीके से की होगी, तो आप रिसर्च करके कुछ बात किया करें किसी की कमेंट वीडियो के नीचे, ठीक है। क्योंकि जो क्रिएटर होता है वो बड़ी एफर्ट्स करके वीडियो बना रहा होता है, आप उसकी वीडियो के नीचे कमेंट कर देते हैं। मैंने काफ़ी सारे और क्रिएटर्स के भी देखे हैं। फ्रेंड्स इसको ना देखें, उसकी उसके जो चैनल के नीचे आप कमेंट करें, उस वो लोग आपके कहाँ से फ्रेंड्स हो गए। फ्रेंड्स इसकी वीडियोज ना देखें, ये बंदा फेक है। अच्छा आप अपना चैनल बनाओ भाई, उस पर मेहनत कर। अगले बंदे ने बड़ी मेहनत से बड़ा एफर्ट करके बंदा वीडियो बनाता है, टॉपिक सेलेक्ट करता है, अपलोड करता है, मतलब इसके लिए बड़ी एनर्जी और बड़ा मतलब टाइम लगता है। आप अचानक से मुंह उठा के कर दोगे तो किसी का क्या जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ, आप नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो के नीचे कमेंट ही नहीं कर सकते। सो अगर आप बात करते हैं मेरे साथ, डिबेट करते हैं, मेरी किसी चीज़ पे आपको इतराज है, विद प्रॉपर आप सॉलिड मतलब आपके पास वो होना, एविडेंस होना चाहिए, तब आप बात करो, मैं भी खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। मेरे पेड अपॉइंटमेंट का आपके पास मैसेज आ जाता है, वो आप उधर कमेंट में डाल देते हो। मेरा क्या जाएगा, मेरा 2-3-10 सेकंड का टाइम लगता है, एक क्लिक, दूसरा क्लिक और तीसरा क्लिक, और आप ब्लैक लिस्ट, आप नेक्स्ट मेरी वीडियो पे कमेंट नहीं कर सकते। सो क्या है, YouTube की कम्युनिटी है, मैं भी बड़ा सोच समझ के कोई वीडियो में बात करता हूँ और वीडियो डालता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मुंह उठा के बस आज सपने में कुछ आया था या कल रात को सपने में कुछ आया था तो मैंने आपको बता दिया। मैं प्रॉपर उस पर रिसर्च, लैपटॉप आगे खुला होता है, 3-4 वेबसाइट्स पे 3-4 ऑथेंटिक जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ से जो चीज़ मुझे मिल रही होती है मैं उस पर बात करता हूँ। मैंने रिसर्च की होती है, जो मेरी रिसर्च है वो अगर आप गलत कह रहे हो तो उस पर आपकी रिसर्च होनी चाहिए विद सॉलिड एविडेंस कि नहीं भाई ये बात ऐसी नहीं है, ये बात ऐसी है। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि YouTube एक प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को हम जितना हेल्दी तरीके से कर सकेंगे, ठीक है, और चला सकेंगे उतना अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे अगेंस्ट बात नहीं कर सकते, आप मेरे अगेंस्ट हरदम बात करो, आपको मेरे बात से डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट विद प्रॉपर एविडेंस विद प्रूफ। ये नहीं भाई गाली दे के, मतलब मैं भी आपकी माँ को गाली दे सकता हूँ अगर आप गाली दोगे, ठीक है। बट मैंने ये चीज़ सीखी है कि यार गाली का जवाब गाली से नहीं होता, गाली का जवाब ब्लैक लिस्ट से होता है। ब्लैक लिस्ट कर दो, नहीं ये बंदा रहेगा और नहीं बंदा चाहिए अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करते हो, उससे पहले आपको अनसब्सक्राइब कर लेना चाहिए इस गाली से पहले। ऐसे बंदे नहीं चाहिए मुझे, क्वालिटी का थोड़ा सा काम करना है, थोड़े से लोगों को लेकर चलना है जिनको मेरी बात समझ आए और मुझे उनकी बात समझ आए। इसी बेस पे मैं जो काम आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ उसमें पेमेंट भी बाद में होती है, या मैंने कहीं पर अपने तरले मिनते ग्राहक रूप के पेमेंट का स्केजुअल बाद में वाले बात की होती है, या मैंने कहीं पर अपना चेक दिया होता है, या कहीं पर आगे मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है। अभी भी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो 2-3 ऐसे लोग हैं जिनका मैं वीज़ा भी दे चुका हूं, उनकी पेमेंट मैंने लेनी है, मैंने उनसे पेमेंट लेनी है वर्क परमिट की, बहरीन की। तो मुझे मेरा भाई ना सिखाओ ऐसे एक कोई भी कमेंट करके, हाँ प्रूफ के साथ कोई बात करो, नहीं भाई ये ऐसा है ऐसा है। और मैं भी जिस बंदे ने प्रूफ के साथ बात की होती है, जिसका एक्सपीरियंस होता है, उसको मैं कहता हूं, आप प्लीज़ मुझे अपना व्हाट्सअप दे दो या मेरा व्हाट्सअप ले लो, मेरे से बात करो। क्योंकि इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस के यार मैंने बहुत सीख लिया, अब मैंने किसी से नहीं सीखना और मैं लोगों को सिखाता रहूँगा, ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ बात शेयर करता हूँ, आपको कोई चीज़ पता है जो मुझे नहीं पता मेरे साथ शेयर करो, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा और अपोलोजाइज भी करूँगा। तो एनीवे तो ये कुछ कुछ डिटेल्स थे। अच्छा मलेशिया अभी तक ओपन नहीं हुआ, अजरबैजान ओपन नहीं हुआ, अजरबैजान की वेबसाइट बंद है, जब आप ओपन करते उस पर आ जाता है सॉरी टिल नेक्स्ट मतलब वीज़ा ओपन नहीं है। और यूक्रेन की एम्बेसी आजकल परसों में शायद ओपन हो जाए, और टर्की की विजिट वीज़ा हम प्रोसेस करते हैं और आप उसका ही हमसे पूछ सकते हैं, टर्की का हम फाइल बना के देते हैं, कोई वर्क परमिट हमारे पास नहीं। और सिंगापुर के लिए प्लीज़ हमें मैसेज करना छोड़ दें, मैंने वो वीडियोज़ डाली हुई, बड़ी मेहनत करके डाले थे, इसलिए मैंने 2-3 उन्होंने कॉपी स्ट्राइक लगा के वो स्कैम वाली वीडियोज़ हटा दिए उन डैश लोगों ने। तो सिंगापुर के लिए मुझे मैसेज ना करें, वैसे भी सिंगापुर बंद है और मैं उन वर्क परमिट्स को डील कर रहा हूं। अगर कोई वर्क परमिट्स आएंगे तो मैं उस पर फिर बात करूंगा, मैं खुद अपलोड वीडियो करूंगा। और तब तक आप लोग ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दें, सो दैट जब मैं वीडियो डालूं तो आपको अपडेट मिलते रहे। और डिस्क्रिप्शन में टाइटल में तकरीबन मैंने बताया होता है, ओमान की बात है, बहरीन की बात है, दुबई की बात है, टर्की की बात है, मलेशिया की बात है, किस कंट्री की बात है। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो फिर मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और अगर वीडियो पसंद नहीं की तो ज़रूर पसंद करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।